नमस्ते दोस्तों, सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में आप सभी दर्शक मित्रों का मिताली की ओर से बहुत स्वागत है। कहते हैं ज़िंदगी में जितनी कठिनाइयाँ आती हैं उतना इंसान मजबूत बनते जाता, और जितना हम मजबूत बनते जाते उतनी ज़िंदगी आसान हो जाती। दुख और तकलीफ ये कुदरत की बनाई हुई प्रयोगशाला है जिसमें हमारे आत्मबल और काबिलियत को परखा जाता है। इस तरह के मैसेजेस न जाने हम कितनी बार पढ़ते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर चाहे फेसबुक पर। जब लेकिन कर्म क्षेत्र के जंग पर जब हम लड़ते हैं योद्धे बनकर, तब हमें क्या वाकई याद रहता है कि मुझे अपने वैल्यूज़, अपने मूल्यों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर मुझे इसको फेस करना है, मुझे लड़ना है। इन सभी बातों की हम काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग कड़ियों के द्वारा जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों के रहस्यों के द्वारा। आज भी इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम हर बार की तरह डॉक्टर सचिन को आमंत्रित करते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम बात कर रहे थे गांधारी और धृतराष्ट्र की, वैसे ही कुंती का भी एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है अपने बच्चों के पालना में, उनको बड़ा करने में। कुंती के बारे में आप क्या कहेंगे? महाभारत के जो रचयिता है वेद व्यास जी ने, अगर आप जितने भी महाभारत के कैरेक्टर्स देखें, एक तरफ कृष्ण है, फिर शांतनु राजा है, पांडव है, या एक तरफ शकुनी आप देखो, और दुर्योधन, दुशासन, कर्म, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इन सब में अगर देखो तो मेजॉरिटी पुरुषों की है जी। और तीन कैरेक्टर्स जो बहुत स्ट्रांगली, जिनको ज्यादा फोकस किया गया है महाभारत में, वो उसमें से दो हमने देखे कि गांधारी और द्रौपदी। तीसरा कैरेक्टर जिसके ऊपर ज्यादा फोकस है वो है कुंती। फीमेल कैरेक्टर्स कम बताए हुए हैं, कम है फीमेल कैरेक्टर्स पुरुषों की तुलना में, लेकिन जो कम होते हुए भी उनका प्रभाव ज्यादा है। कुंती एक ऐसा पात्र पोर्ट्रेट किया गया है जिसको राजा पांडु की पत्नी बताई है जी। और समय के पहले उनका अंत होता है। तो कुंती का जीवन अगर देखा जाए तो पति चला गया, फिर कर्ण को जन्म देना शादी के पहले दिव्य वरदान के अनुसार जी। और फिर पांडवों को बड़ा करना जी। उसके साथ माद्री के दो पुत्र नकुल, सहदेव, अज्ञातवास में जाना 13 वर्ष के लिए जी। पूरा कुल जो इतना श्रेष्ठ था उसका विनाश आंखों के सामने देखना, एक बुजुर्गों के लिए वो कठिन रहता है, बहुत कठिन है। माना उसका ओवरऑल लाइफ देखा जाए तो अंग्रेजी में संघर्ष, हम ट्रेजेडी कहेंगे उसको। मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा समय होगा जिसमें वो सुखी अनुभव करती होगी जी। तो वो केवल लास्ट में जब युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के बाद सिंहासन पर बैठता है, धृतराष्ट्र, गांधारी और ये वन में जाते हैं, तो वो एक पीरियड छोड़कर बाकी सारा पीरियड बहुत टफ गया है जी। तो कुंती को कैरेक्टर को प्रोट किया, हमको उसे मैसेज ये लेना चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग चैलेंजिंग सिचुएशंस, कुंती ने पांडवों को बहुत अच्छी पालना दी जी। जो कि गांधारी से नहीं हुआ समहाउ जी। तो कुंती ने अपने पांचों बच्चों को वैल्यू सिखाए हैं। इसमें दो बातें हैं, एक है जो बच्चा घर में आता है वो अपने संस्कार भी लेके आता है, लेकिन उनको मोल्ड करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उनको उस तरह का वातावरण देना, वो भी उनको प्यार है। देना, उनको समझाना। और ये देखा गया कि पांडवों का ओवरऑल कैरेक्टर है कि वो माँ की आज्ञा के बाहर नहीं थे, ठीक है ना, तो उनको वैसा बनाने में कुंती का रोल भी बहुत बड़ा है। जब उसको वो दिव्य वरदान प्राप्त हुए तो उसने टेस्ट करने की कोशिश की क्या वरदान सचमुच में काम करता है। वो क्यूरियोसिटी थी, वो एक उत्सुकता हाँ, थी। पर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट कितना खतरनाक हुआ आप सोचो जी। कि आपके पास वरदान है, आपके पास दिव्यता है, और आपको ये वरदान मिला है कि जिस मंत्र से जिस देवता का चाहो आप आह्वान करो, वो आपके सामने हाजिर होगे। उसने एक दिन ऐसे बैठे तो सोचो क्या सचमुच ये मंत्र काम होता है नहीं, और उसने सूर्य देवता का आह्वान किया और फिर सूर्य देवता प्रकट हुए और उनके द्वारा कर्ण का जन्म हुआ ना। दिस वाज अ वेरी बिग स्टेप। पर अभी उससे क्या हुआ देखो, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ एक ऐसे माँ से जिसका अभी तक शादी नहीं हुई, जो कुंवारी है जी। अभी उसको वो रख नहीं सकती है तो वो कहीं और गया,
उस भय की वजह से उन्होंने उसको छोड़ना था, पड़ा। उसका अधिकार था कि राजपुत्र बने, माना राजा का सिंहासन मिले, सबसे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, इवन युधिष्ठिर से भी बड़ा वो बने, लेकिन शादी से पहले होने के कारण वो उसको रख नहीं पाए, दूसरों के पास गया और वो एक सूत पुत्र के नाम से उसको पूरा अपना आयुष्य, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, और उसके बाद श्रेष्ठ धनुधर होने के बावजूद भी उनको वो रिकग्निशन नहीं मिली, ज्येष्ठ कुंती पुत्र का भी नहीं मिला, और उसके वजह से वो गया किसके पास, जिसने उसको राजा ही दी, अंग देश का राजा बनाया, दुर्योधन ने, दुर्योधन के पास। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो दूसरे पार्टी में कौरवों के अधर्मों के साथ गया और युद्ध हुआ जिसमें कि सभी मारे गए। ये सब जो कैस्केड था उसको हम रोक केवल, सकते थे। वो केवल एक शक्ति का दुरुपयोग करने की वजह से, उसके वजह से कर्ण को भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा, सबको भुगतना पड़ा, कर्ण को क्या कुंती को कम भुगतना पड़ा, भले वो रख नहीं पाए लेकिन माँ का हृदय होता है, मेरा बेटा है, उसका अधिकार होते हुए भी उसको दे नहीं पाए, वही अधिक सबसे ज्यादा जानती थी और सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं ने ही भोगी है। यस, तो जो कुंती ने गलती की हमको नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे पास पावर है, कोई भी पावर हो, सबके पास कुंती जैसी दिव्य शक्तियां तो नहीं होगी, लेकिन आज प्रेजेंट मोमेंट पे हम देखेंगे किसी के पास सत्ता का पावर है, किसी के पास मनी का पावर है, किसी के पास पोजीशन का पावर है, अलग अलग पावर्स हमारे पास आज है। तो ये पावर को एक तो क्यूरियोसिटी वश इस्तेमाल नहीं करे, नहीं तो जो महाभारत में हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज हमको मिलता है, मेरे ख्याल से अश्वत्थामा से भी हमको यही मैसेज मिलता होगा। अश्वत्थामा का किरदार भी बहुत वंडरफुल है, शास्त्रों में जो 7 चिरंजीव बताए हुए हैं उसमें से एक चिरंजीव माना जो हमेशा जीवित रहने वाले हैं वो है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को भी वरदान प्राप्त था ब्रह्मास्त्र का, द्रोण का कपट से मृत्यु किया इन्होंने, तो उसका गुस्सा था, बदला लेना था, तो बदला लेना था और पूरे पांडवों को खत्म करना चाहता था, पर क्रोध में वो भूल गया कि पांडवों के जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने खत्म कर दिया, और जो पांडव सामने से आए तो गुस्सा बाहर आया और उसने ब्रह्मास्त्र फेंका, तो अर्जुन ने भी वहां से ब्रह्मास्त्र फेंका, लेकिन व्यास ने दोनों को वापस लेने को कहा, तो अर्जुन ने वापस ले लिया, पर इसको वापस लेने की कला नहीं आती थी, और उसका डायरेक्शन उसने चेंज किया, और डायरेक्शन चेंज करके ऐसे दिखाते हैं कि वो अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ के ऊपर जाकर गिरा, ठीक है ना। तो ये भी अश्वत्थामा से हमको मैसेज लेना है कि उसके बाद अश्वत्थामा को जो श्राप मिला कि वो भटकता रहेगा जख्म लेकर, क्योंकि उसके मस्तक में जन्म से एक मणि दिखाया जी। तो वो मणि खुद निकाल के देता है वो कृष्ण को, युधिष्ठिर उसको लेता है, लेकिन उससे जख्म निकलते हैं और वो जख्म लेके आज भी घूम रहा है, ऐसी आख्यायिका और ऐसी कहानी है जी। लेकिन अश्वत्थामा का लाइफ हमको ये मैसेज देता है कि ऐसा पावर आपके पास है, और वो पावर जैसे ब्रह्मास्त्र सबसे श्रेष्ठ अस्त्र है, उससे पृथ्वी का विनाश हो सकता है, आप किसी को खत्म करने जाओ, तो आपके पास सबसे बड़ी पावर है, समझो कंट्री आपके हाथ में है, देश आपके हाथ में है, स्टेट पूरा आपके हाथ में है, आपके वन डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन के सबका नुकसान हो सकता है, आप एक को सजा देने जाते हो। पर मेरे को दिखा है कि अभी अगर अश्वत्थामा जैसे कोई पर्सनैलिटी है और वो अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है तो मुझे नहीं लगता इस पृथ्वी के ऊपर किसी का बचेगा, क्योंकि इतने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास इस समय तैयार है, और वो उनका तुलना ब्रह्मास्त्र के साथ करना 100% राइट है। क्यों? जैसे हिरोशिमा नागासाकी में आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, आज भी उसके इफेक्ट है, आफ्टर 60 इयर्स हम उसके इफेक्ट देख रहे हैं, कैंसर है और बहुत ही, हालांकि जापान हैज ग्रोन अप, पर आप सोचो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर इतने एटॉमिक वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें अभी हाइड्रोजन बॉम्ब ऐड हो गया है, कि इस पृथ्वी को एक बार नहीं 7-8 बार खत्म कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। तो हमको एक अश्वत्थामा की जरूरत है जो इसको खत्म कर सके, और ऐसे अश्वत्थामा को रोकना हम सबका कार्य है जी। आपके पास अगर ऐसी पावर है तो प्लीज डू नॉट मिस यूज इट, क्योंकि सबका तो नुकसान होगा लेकिन आप जिंदगी भर उस जख्म को लेके घूमते रहेंगे, एक बोझ रहेगा हमेशा, बोझ रहेगा कि कईयों का उसकी वजह से नुकसान हुआ है, कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। समझो एक कंपनी वाला डिसीजन लेता है, आई एम क्लोजिंग और आई एम शिफ्टिंग क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफिट कम है, तो बहुत लोगों का जीवन जाता है उसमें, या कोई स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, क्योस पैदा होता है, माना कंट्री का तो नुकसान है, आजू बाजू के कंट्री का भी नुकसान है, कितना नुकसान होता है, पूरे विश्व का नुकसान, कई लोग डिपेंड होते हैं उनको भी उसकी तकलीफ होती है, और कहीं ना कहीं वो बोझ हमारे ऊपर चढ़ता है। तो अश्वत्थामा और कुंती
ये दोनों हमारे पास महाभारत के ऐसे पात्र है जिन दोनों के पास पावर्स थे, मंत्र की शक्ति थे। साथ में मेरे ख्याल से संजय के पास भी इसी तरह की कुछ पावर थी। संजय तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा तटस्थ व्यक्ति दिखाया हुआ है। विद्वान भी थे, तटस्थ थे। मुझे लगता है उनसे तो हमको बहुत कुछ सीखने जैसा है, क्योंकि सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं डिटैच थे। संजय को सचमुच में वर्णन करना और उसके साथ डिटैच रहना है बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं ना पूरा और फिर भी डिटैच है। संजय माना वो व्यक्ति है जो आगे क्या होने वाला है वो देख रहे हैं वर्तमान समय और और वो शक्तियों को जानते हैं, पॉजिटिव पावर्स कौन सी है, निगेटिव पावर्स कौन सी है। ये संजय माना जिसका तीसरा नेत्र खुला है, ठीक है ना, वो संजय है। वो तीसरा नेत्र किससे खुलता है? ज्ञान के आधार से खुलता है। जी। तो जिसके पास योग के द्वारा ये तीसरा नेत्र आता है वो परख लेता है और उसको समझ आ जाती है कि आगे क्या होने वाला है या वर्तमान समय क्या हो रहा है, आगे क्या है, कौन पॉजिटिव है, किसके साथ चलना चाहिए। और राजा को समझाने का काम उसका था। हालांकि उसका काम इतना ही था कि धृतराष्ट्र युद्ध में जा नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, तो इसको वरदान था कि जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है सब धृतराष्ट्र का भी सब कुछ दिखता था। हाँ, तो वो देख के सुनाता था, उसको यहाँ का नॉलेज यहाँ से लेके वहां सुनाना है, बस इतना ही काम था। एंड ही नेवर यूज्ड टू गिव एनी डिसीजन। तो संजय से जो हमको सीखना एटीट्यूड वो है नॉन जजमेंटल। वो जजमेंट नहीं दे रहा था, वो केवल वर्णन कर रहा था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने ये नहीं कहा कि ये सही है और ये गलत है। ये बहुत सुंदर बात है। तो ये संजय से हमको सीखने जैसा है कि आपके पास पावर्स है दिव्य दृष्टि की, आप देख रहे हैं, बट यू आर नॉट कैरिड अवे बाय दोस पावर्स। आप केवल उसका वर्णन कर रहे हैं। और नॉन जजमेंट रहना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम कुछ आंखों से देखते हैं हमारे सबसे पहले ये रहता है इनको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम बहुत फास्ट रिएक्शन अपना देते हैं, रिप्लाई करते हैं, जजमेंट पास करते हैं, और इसकी तकलीफ आज सबको हो रही है। यस, कि क्यों हमारे ऊपर इतना ध्यान है। पर उसमें और एक बात दिखाई है वेद व्यास जी ने कि जब धृतराष्ट्र उनसे कुछ पूछता है देन ही यूज्ड टू गिव हिज ओपिनियन, टिल देन ही वाज क्वाइट। अच्छा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो संजय की ये विशेषता रही कि ही यूज्ड टू नैरेट द इंसिडेंट्स, वो बताता था, फिर जब तक पूछे नहीं तब तक चुप रहता था। जब धृतराष्ट्र पूछते थे तभी ही जवाब देते थे। तब वो जवाब देते थे कि मुझे ऐसे लगता है, ये विराट रूप जैसे उन्होंने देखा जी। तो है ना, परमात्मा का विराट रूप उन्होंने जब देखा तब ही वॉज मूव्ड और मैं भाग्यवान हूँ, ऐसे वो वर्णन कर रहे हैं। पर लास्ट में जब उसने पूरा देखा, अर्जुन जो शुरुआत में कह रहा था पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्से इति गोविंदम, मेरे हाथ कांप रहे, सिदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, तो ये जब वर्णन कर रहा था। और 18वें अध्याय में जब अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति वापिस आ गए, और उसके बाद फिर संजय लास्ट श्लोक आता है भगवद गीता में, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजय, संजय के मुख से आया हुआ है। अच्छा, ये संजय के मुख से आया हुआ श्लोक। तो ये हमको समझना चाहिए। संजय को कन्विंस हो गया और उसने बताया कि मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ योगेश्वर है परमात्मा, जहाँ साथ है, और जहाँ पर अर्जुन जैसा योद्धा है, वहाँ संसार की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती, उनकी विजय निश्चित। जी, बहुत सुंदर। तो ये निश्चय का, निश्चित वरदान का श्लोक भी संजय के मुख से आया हुआ है। ये तीन कैरेक्टर्स को हमको अच्छी तरह समझना है। तीनों के पास पावर्स थे। जी। संजय के पास दिव्य दृष्टि का पावर था, अश्वत्थामा के पास भी दिव्य मंत्र का पावर था, दिव्य शक्तियों का, और कुंती के पास था। लेकिन तीनों के चॉइस से देखो रिजल्ट क्या हुआ। जी, हर एक तीनों का चॉइस अलग अलग रहा, तीनों ने अपना अपना रोल प्ले किया, पर आउटकम हर एक का अलग रहा। अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है जख्म लेके एज पर द स्टोरी। कुंती को पूरी जिंदगी भर दुख का सामना करना पड़ा, ठीक है। और संजय बिल्कुल उसके विपरीत। हाँ, बिल्कुल साक्षी भाव में रह के, नॉन जजमेंटल रह के, परमात्मा का विराट रूप का साक्षात्कार और उसकी वो मधुर वाणी सुनकर अति हर्षित हो गया। बोलता है कि मेरे रोम हर्ष हर्ष से मैं आनंदित हो रहा हूँ, इतना सुंदर ज्ञान उसने सुना। क्योंकि भगवत गीता को डायरेक्ट सुनने वाले दो ही लोग हैं, जी, एक अर्जुन है और दूसरा संजय है।
बाकी लोगों ने तो ट्रांसलेशन या जो इन्होंने सुना है वो सुना है, तो जो अवस्था अर्जुन की रही है वही संजय की भी रही है। तो ये किन का प्रतीक कहेंगे हम, संजय यानी किस बात का प्रतीक है? क्योंकि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि महाभारत हुआ या नहीं हुआ ये हम नहीं जानते, पर वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आज ही हमारे बीच में है, हमारे अंदर है या तो फिर बाहर भी है। संजय और अर्जुन ये दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने संजय के बारे में बात की, संजय वो लोग है जिन्होंने अपने तीसरे नेत्र को या बुद्धि को इतना स्वच्छ कर दिया है ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर कि वो परमात्मा के शक्तियों का डायरेक्ट अनुभव कर पाते हैं। धृतराष्ट्र जैसे जो राजा है जिनकी आंखों के ऊपर बहुत की पट्टी है या आवरण चढ़ा हुआ है, उनको दूर करने में इनका रोल है। तो संजय वही है जो पूरी दुनिया की आंखों के ऊपर जो पट्टी पड़ी है उसको दूर करने वाले सभी लोग संजय हैं। और वो परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य वैसे के वैसे लोगों तक पहुंचाने वाले हर एक संजय है। अच्छा। संजय वो लोग है जो नॉन जजमेंटल है और जिन्होंने परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है और परमात्मा के ज्ञान से अपने नेत्र को साफ किया है, अपने बुद्धि को स्वच्छ किया है और वही अपने जैसे औरों को बनाते हैं, वो सब संजय हैं। अच्छी रीति से आपने हर किरदार को एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे हमें उससे क्या सीखने को मिलता है ये भी हमें समझ में आ रहा है। वैसे हम अभिमन्यु की अगर बात करते हैं तो अभिमन्यु के पास भी एक नॉलेज था, उनको भी पता था, गर्भ से उन्होंने अपने माता से जो ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन वैसे ही जैसे ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को फिर से बुलाने का ज्ञान प्राप्त नहीं था, वैसे ही अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है उसका ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो क्या होता है उससे, या आज के जीवन के साथ उस कैरेक्टर को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? अभिमन्यु का पात्र बहुत इंटरेस्टिंग है एज ए डॉक्टर हमारे लिए भी, क्योंकि आजकल हम गर्भ संस्कार के ऊपर काफी सारे प्रयोग हो रहे हैं। ये बात भारत से गई है और विश्व में अभी इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है जी। हम भी दिव्य माता बालक हमारा प्रोजेक्ट है मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज का कि माताओं को या पति को या घर में वातावरण जितना पॉजिटिव रखते हैं उससे गर्भ में जो बच्चा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। और हम सब इस कहानी को जानते हैं कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तब उसने पूरी चक्रव्यूह भेदन की स्टोरी सुनी थी, आधी सुनी थी, और वो उसी नॉलेज को लेके बाहर आया। अभी अभिमन्यु से गलती ये हुई कि वो महारथी कैटेगरी का था, बहुत ही शक्तिशाली था, महारथी इज नॉट ऑर्डिनरी, वीर था, उसके अंदर सभी क्वालिटीज थी। सिर्फ एक ही गलती हुआ कि वो हाफ नॉलेज के साथ गया। इट्स लाइक चक्रव्यूह में घुसना उसको पता था पर चक्रव्यूह से बाहर आना उसको पता नहीं था। उसको तोड़ना कैसे ये उसको ज्ञान नहीं था। ये वैसे ही हुआ जैसे कोई सर्जन जानता है कि ऑपरेशन शुरुआत कैसे करना है लेकिन बंद कैसे करना पता नहीं है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज द डेथ। तो अभिमन्यु इतना वीर पुरुष, चक्रव्यूह को जानने वाला, महारथी कैटेगरी, ओनली हाफ नॉलेज हैज किल्ड हिम। तो आधा नॉलेज आपको खत्म कर सकता है, ये हमको अभिमन्यु के किरदार से पता चलता है। तो अभिमन्यु के किरदार से हमको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का। जब तक हमको पूरा नॉलेज नहीं है तब तक उसमें घुसना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अभिमन्यु का जो भी पात्र आपने बताया उसे हमें ये बात बहुत अच्छे से पता चलती है, और जो भी हमने कहानियों से पढ़ा है, और आजकल चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी ये चीज को मानने लगे हैं कैसे पहले से ही उनको देना है, ये बात भी हमें बहुत अच्छे से पता चलती है। मतलब बिल्कुल आपने जो शुरुआत में कहा था कि महाभारत में सब वो है जो आज के समय पर चल रहा है, जितने भी रिसर्च हुए अगर आप डेथ में जाओ इस समय हो रहे वो सब महाभारत में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में आए हुए हैं। अगर हम उनको अच्छी तरह से रिसर्च करें तो हमको बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं, जैसे पुष्पक विमान है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, या अभी गर्भ संस्कार की बात आ रही है, और अभी इसके ऊपर बहुत अच्छे संशोधन हुए। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब कोई गर्भवती माता आपके घर में है तो घर का माहौल पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। उनकी अपनी मानसिक अवस्था भी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये सब प्रकंपन जा रहे हैं उस बच्चे को, और हम एक अच्छी संतान को जन्म दे सकते हैं। वो अभिमन्यु से हमको जी अभी आप बात बताते वक्त मुझे याद आया कि आजकल क्लियर वॉइस का भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं संजय ये कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्लियर वॉइस का कोर्स चलता है ताकि लोग जान सके। क्लियर वॉइस अंग्रेजी शब्द है, मैं थोड़ा उसका अर्थ बताऊंगा। क्लियर वॉइस मन आप यहाँ बैठे हुए दूर की चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना।
ये इसके कोर्सेज चलते हैं जैसे आपने कहा, और ये सिद्धियां हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अगर आप रात को आसमान में किसी तारे को देखते रहते हो तो वो तारा यहाँ से हमको बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वो हो सकता है पृथ्वी से भी बड़ा हो, लेकिन दूर होने के कारण वो हमको छोटा दिखाई देता है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप यहाँ से वो इतने दूर तारे को देख सकते हैं, इसका मतलब वो तारा भी आपको देख रहा है, उसकी जो छाया है, छवि है आपके रेटाइना के ऊपर, आंखों के ऊपर पड़ रही है, इसका मतलब आप कनेक्टेड है, इसका मतलब आप इतने दूर देख सकते हो। तो अगर दूसरे तारे पर देख सकते हो तो इस ग्रह पर जो है वो तो सचमुच में देख सकते, देख सकते हो, ये शक्ति आपके अंदर है, ऐसा वर्णन आता है। तो ये सब बातें है, माना इस समय इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग है जो ये कर सकते है, वो उन्होंने क्या साधना की हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी विधियां है, ऐसी सिद्धियां है जिसे कर सकते हैं। पर आजकल ये काफी कुछ बढ़ने लगा है ये सब चीजें। हाँ, ये क्या कारण है हम तो नहीं जानते, लेकिन एक बार मैंने बहुत सारे हीलर्स बैठे थे, मैंने उनको पूछा कि अचानक से ये सारी हीलिंग सिस्टम कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो टाइम जोन है वो चेंज होने वाला है, मतलब हम कहीं अच्छे पीरियड में जाने वाले हैं और इसीलिए उसके लिए सबको तैयार होना है। उन्होंने भी यही जवाब दिया। इसका जवाब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी दिया है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जी, इस समय पृथ्वी पर जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से जो मेजॉरिटी आत्मा है जब हायर फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होने लगती, माना वो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, या फिर जिसको हम क्रिटिकल मास कहते हैं, जब मेजर आत्माएं साधना और तपस्या करने लगती है तो उनका एक इफेक्ट आता है पृथ्वी के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की जो छुपी हुई शक्तियां है वो बढ़ने लगती है। हाँ, और उसका रिजल्ट ये हम देख रहे हैं, इसको क्रिटिकल मास देखते हैं। और जब वो, जैसे हमने कहा कि जब मेजॉरिटी आत्माएं पॉजिटिव हो जाएंगे, क्रिटिकल मास तक पहुंच जाएगी, तब वो टिल्ट हो जाएगा। जो परिवर्तन हमने देखा है कलयुग के बाद सतयुग आने, और हम सब अगर नियमित रूप से साधना करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें, परमात्मा को याद करें, तो हम वो क्रिटिकल मास तक पहुंच सकते हैं। और मेजॉरिटी यहाँ पे संजय हो तो मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा। जी जी, बहुत ही सुंदर रीति से आपने सारे पात्रों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज की पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने देखा कि कैसे विभिन्न पात्र हैं और हर एक पात्र हमारे आज के जीवन के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन रखते हैं, उनका बहुत गहरा संबंध है। हर पात्र से हम कुछ ना कुछ सीखते ही जा रहे हैं। संजय के द्वारा हमने देखा कि हमारा तीसरा नेत्र हमको कैसे खुला रखना है। साथ में हमने ये भी देखा कि कुंती या चाहे अश्वत्थामा हो, जो मिली हुई पावर से उनका मिसयूज नहीं करना है, इस बात को हम जानते हुए आने वाली कड़ियों में और भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपकी कोई बात है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फोन से संपर्क कर सकते हैं। अगले कड़ी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।